जनपद के खुर्जा स्थित डंपिंग ग्राउंड की चार दीवारी के निर्माण में घोटाला नजर आ रहा है। चार दीवारी का निर्माण अभिमानक और गुणवत्ता पूर्ण नहीं किए जाने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने संबोधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के चेतावनी भी दी है और निर्माण के कार्य को दोबारा कराने के दिशा निर्देश भी दिए है। बुलंदशहर के खुर्जा अगोरा स्थित डंपिंग ग्राउंड जिसकी चार दीवारी का निर्माण चल रहा है, यह निर्माण कार्य विश्व वंडर्स को नगर पालिका द्वारा लगभग 30 लाख रूपए में दिया गया है। आज एक शिकायत नगर पालिका के ईओ ने मौके पर पहुंचकर चार दीवारी का निरीक्षण किया तो पाया कि निर्माण कार्य में गोलमोल है। चार दीवारी के ऊपर हाथ लगते ही ईंट की दीवार गिरती हुई नजर आई, जिस पर ईओ ने काम रुकवा दिया और ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने की चेतावनी भी दी। सर, ये अगोरा में जो निर्माण हो रहा था, क्या पूरा मामला, ये जो अगोरा में जो 15वें वित्त से सॉलिड वेस्ट के प्लांट के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है, कल आयुक्त महोदय द्वारा समीक्षा बैठक की गई थी जिसमें निर्देश दिया गया था कहीं भी घटिया सामग्री का प्रयोग अगर किया जाता तो उसको तत्काल ध्वस्त कराया जाए, इसके बाद उसके ऊपर जो विभागीय कार्रवाई की जाए। आज उसी क्रम में बगौरा का निरीक्षण करने गया था, वहाँ ये पाया कि ठेकेदार को जो निर्देश दिए गए थे उसे अधोमानक के रूप में वो काम करा रहे हैं। बाउंड्री वॉल को मेरे द्वारा देखा गया, 15 दिन की बनी हुई बाउंड्री वॉल छूते ही वो गिरना शुरू हो गई, इसलिए मैंने उसको ध्वस्त करा करके निर्देश दिया कि इनकी जांच कराई जाए और इसके विरुद्ध कार्रवाई। लगभग कितने परसेंट निर्माण हो चुका था सर इसमें? लगभग 30% काम हो चुका है, लेकिन उसकी पूरी जांच करा कर जेई को मैंने निर्देशित किया है, उसको पूरी जांच कर लें, अगर वो मानक से नीचे और भी जगह है तो उसको तत्काल तोड़वा। अभी किसी और ठेकेदार को दे दिया जाएगा ठेका या उसी पे चलता रहेगा? अभी तो उसको एक चेतावनी दे रहा हूँ, अगर उसमें सुधार हो जाता है तो कोई बात नहीं, वरना उसको ब्लैकलिस्ट करके दूसरे ठेकेदार को दिया जाएगा। थैंक यू।